हेलो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स टू पावर फाइव माइनस एक्स टू पावर फोर माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू आठ, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। मैम देखिए, हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। इस पूरे क्वेश्चन में हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन टू में एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स टू पावर फाइव प्लस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स टू पावर फाइव इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। अगेन हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब हम इस पूरे क्वेश्चन में एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन टू में एक्स, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स टू पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स टू पावर फोर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। अब यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन में हम एक्स टू पावर फाइव और एक्स टू पावर फोर की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इसे हम ई के इक्वल मान लेते हैं। यहाँ देखिए, एक्स टू पावर फाइव की जगह पुट कर देंगे माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर फोर की जगह पुट कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। हम देखिए, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव। अब यहाँ पे देखिए, एक्स क्यूब वाले टर्म को एक साथ लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब, और यहाँ पे देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर है, ये प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। थ्री एक्स और माइनस सिक्स एक्स को ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव, माइनस थ्री एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। हम देखिए, माइनस फाइव की जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस नाइन प्लस फोर। यहाँ से देखिए, इन तीनों टर्म में से हम माइनस थ्री कॉमन लेंगे, माइनस थ्री कॉमन लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस थ्री और प्लस फोर। यहाँ देखिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस थ्री की वैल्यू हमारे पास गिवन है जीरो, यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा e इज इक्वल टू, ये टर्म जीरो हो जाएगा, e इज इक्वल टू फोर, ये हमारा आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।